मेरे को बहुत सारे कमेंट आए वहाँ पे, लोगों ने लिखा था किसी का म्यूजिक प्लेयर नहीं चल रहा है, किसी को नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, किसी को कॉल में जो नेम है वो मतलब नहीं शोकेस हो रहा है, और भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं लोगों को। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लुक वाइज बहुत ज़्यादा प्रीमियम ये वॉच है, जैसे कि मैंने वॉच डायल लगा रखा है अपना, और साथ में यहाँ पे आपको पीछे की साइड पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो इसका इनबिल्ट स्ट्रैप आता है वो इस तरीके का मिलता है आपको, सिलिकॉन स्ट्रैप है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ किया गया, 20mm स्ट्रैप साइज इसका, तो आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हो, लिखा भी हुआ है यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो 20L। सबसे पहले लोगों की क्वेरी आ रही थी यहाँ पे कि उनके फ़ोन में जो म्यूज़िक कंट्रोल है वो वर्क नहीं कर रहा सही से। अब गाइस देखिए यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल का जो ऑप्शन है इसमें वो सिर्फ आपके डिफ़ॉल्ट प्लेयर पे ही काम करेगा, जो आपका यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन है। ये ऐसा नहीं कि हर एक प्लेयर पे आपने, हर एक प्लेयर थर्ड पार्टी आपने इंस्टॉल कर लिया तो उसमें ये काम करेगा, नहीं। और कुछ लोगों को ये इशू था, मतलब पूछ रहे थे वो कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस है सिर्फ 4 से 5 हैं, और जो 5th वॉच फेस है वही आप चेंज कर सकते हो, और कोई वॉच फेस नहीं चेंज कर सकते। यस, आपने सही सुना, यहाँ पे सिर्फ 5 ही, स्टार्टिंग में जब आप लेते हो वॉच तो आपको 4 ही मिलते हैं, बट जैसे ही आप एप्लीकेशन में जाते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे आपको जाना है, कैसे आपको वॉच फेस चेंज करने है। सबसे पहले आपको डिजो एप्लीकेशन खोलनी है यहाँ पे, और वो तो ऊपर की साइड से ब्लूटूथ ऑन ही रखना है आपको, ताकि यहाँ पे सिंक हो सके सारा का सारा डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे सिंक हो रहा है, और SPO2 लेवल भी यहाँ पे शो कर रहा है। कल एक अपडेट आया था इस एप्लीकेशन का डिजो का, तो आप अपडेट कर सकते हो, और अपडेट करने के बाद आपका SPO2 लेवल भी यहाँ पे शो करेगा, और स्लीप ट्रैकिंग भी आपका शो कर देगा जैसे ही आपकी वॉच आपके फ़ोन के साथ सिंक हो जाएगी। तो स्लीप ट्रैकिंग भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब गाइज यहाँ पे हम आते हैं डिवाइस पे आके यहाँ पे देखते हैं वॉच डायल। वॉच डायल में आप देखते हो इतने सारे वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं। जो 5th वॉच फेस है जो आपको यहाँ पे लगेगा आपके वॉच में, वही आपका एक रहेगा एक्स्ट्रा, और सारे वॉच फेसेस आपको जो डिफ़ॉल्ट है वही मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक फ्लॉ है, और यहाँ पे और भी वॉच फेस ऐड होने चाहिए थे, बट यहाँ पे एक ही वॉच फेस को आप लास्टली को चेंज कर सकते हो अपने जो वॉच गैलरी है उसमें से। और वॉच डायल को कैसे चेंज करना है, माई डायल पे जाना है आपको, यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाता है, इसको एडिट करना है ऊपर की साइड से। यहाँ पे आप अपनी कोई भी इमेज लगा सकते हो और यहाँ पे वॉच में सेट कर सकते हो, तो ये फीचर आपको मिल जाता है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे म्यूज़िक प्लेयर का ऑप्शन, तो मैं म्यूज़िक प्लेयर यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ किस तरीके से कैसे काम करेगा। आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में म्यूज़िक प्लेयर खोल लेना है, तो यहाँ पे ये पॉज कर दिया मैंने। अब मैं वॉच से कंट्रोल करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये प्ले हो गया, ये पॉज हो गया। अब गाइस नेक्स्ट लगाना है, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट लग गया। यहाँ पे पॉज हो गया इस तरीके से। और गाइस वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हो आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है गाइस। यहाँ पे वाइब्रेट करता है जैसे ही आप अगर वॉल्यूम अप डाउन करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी वॉचेस में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये आपका पहला सॉल्यूशन, यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर काम कर रहा है, वॉच से आप कंट्रोल कर सकते हो। कैमरा शटर बटन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वो भी काम करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप देख सकते हो इसकी अनबॉक्सिंग और डीप डाउन रिव्यू। यहाँ पे देख सकते हो कैमरा कंट्रोल खुल चुका है, यहाँ पे पिक ले लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली पिक ले चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल काम कर रहा है। और मैं नेक्स्ट क्वेरी लेता हूँ यहाँ पे जो लोगों की थी। एंड गाइज नेक्स्ट जो इशू है लोगों को, जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं व्हाट्सएप के, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर मेरे को नोटिफिकेशन आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा मैसेज का नोटिफिकेशन है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये टेलीग्राम का नोटिफिकेशन है आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ और नीचे चलता हूँ यहाँ पे टेलीग्राम के ही दिखा रहा है अभी, और व्हाट्सएप के भी इसमें आते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे व्हाट्सएप के भी अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन आपको आ जाते हैं। और तो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे कॉल आ रहा है, तो कॉल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है वॉच में, और यहाँ पे नेम शो कर रहा है, यहाँ पे नंबर शो नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का इशू था सिर्फ यहाँ पे नंबर शो कर रहा था, या मतलब सिर्फ रेड आइकन दिखा रहा था, तो यहाँ पे प्रॉपरली शो कर रहा है और यहाँ पे वर्किंग है। तो आप थोड़ी सी सेटिंग कर लीजिए अगर आपके में कोई इशू आ रहा है। तो आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको डिजो एप्लीकेशन खोलनी है, और यहाँ पे जो कॉल रिमाइंडर है इसको ऑन रखना है, मतलब ऑफ नहीं रखना है। और आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लोकेशन भी ऑन रख सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एप्लीकेशन में, आप जो परमिशंस हैं आपको दे देनी है डिजो वॉच को, एप्लीकेशन में जो परमिशंस है वो डिजो वॉच को दे देनी है। और साथ में यहाँ पे जो ऐप्स में आप, अगर आप कोई सा ही फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो मेरे को नहीं पता, उसमें आप ढूंढिएगा डिजो एप्लीकेशन, तो डिजो एप्लीकेशन को आप मैक्सिमम परमिशन दे दीजिए, ताकि वो सारी की सारी चीज़ें आपके फ़ोन में अलाउ कर सके। यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाता है स्टोरेज, टेलीफोन, लोकेशन, कैमरा कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको दे देनी है, देन ओनली जाके ये सारे के सारे नोटिफिकेशन को रिसीव कर पाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप, नोटिफिकेशन नहीं आ रहे थे, मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
और मैं एक बड़ा मैसेज यहाँ पे सेंड करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है तो देखते हैं यहाँ पे कितना शो करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। तो गाइज़ ये अच्छी बात है, यहाँ पे प्रॉपर आप मैसेज भी पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से व्हाट्सएप भी रिसीव कर रहा है नोटिफिकेशन, मतलब व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन रिसीव हो रहे हैं वॉच में, और म्यूज़िक कंट्रोल भी काम कर रहा है अच्छी तरीके से, और कॉल भी अच्छी तरीके से रिसीव हो रही है। तो मेरे यूनिट में कोई इशू नहीं है, आपको मैंने जो प्रोसीजर बताया उसको आप फॉलो करिए, सही तरीके से काम करेगा। और गाइस बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसका सेंसर जो अगर क्लोथ्स पे रखो तो काम करता है, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लोथ पे रखते दिखाया था आपको। तो मैं गाइस यहाँ पे क्लोथ पे रख के दिखाता हूँ, ये क्लोथ ही है मतलब। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे मेजर फील्ड दिखा रहे हैं, तो मेरे में अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे यही बोल रहा है मेजर फील्ड। तो कहीं ना कहीं सेंसर्स काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और अच्छा वैल्यू फॉर मनी वॉच है, आप इसके लिए जा सकते हो, और अंडर 2000 के प्राइस ब्रैकेट में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। नेक्स्ट जो सेल इसकी हो सकती है वो आपकी हो सकती है 7 अक्टूबर को, और मेरे ख्याल से उस टाइम प्राइस का 2000 रुपीज़ हो सकता है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है मैंने, वहाँ से आके बाय कर सकते हो। और गाइस उसी के साथ साथ अगर आपको और भी वॉचेस चाहिए, और भी आपको रिव्यूज़ चाहिए, और गाइस इसका किसी और वॉच के साथ कंपैरिजन चाहिए, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।